हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास सेकंड मैरी गोल्ड से एक चैप्टर जिसका नाम है द विंड एंड द सन। विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब होता है हवा और सन का मतलब आपको पता ही है सूरज। तो ये कहानी है सूरज की और हवा की। तो एक बार दोनों में बहस हो जाती है कि सन ज्यादा ताकतवर है या फिर हवा ज्यादा ताकतवर है, और उस वक्त क्या होता है, चले पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन? तो यहाँ पर जो हवा है वो सूरज से कहती है कि सूरज जी देखिए, क्या आप उस आदमी को देख सकते हो? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिक्चर में हवा है, सूरज है और एक आदमी है जो वहां से गुजर रहा है। तो हवा क्या कहती है सूरज से कि सूरज जी जो आदमी वहां से गुजर रहा है आप उसको देख पा रहे हो? वॉकिंग डाउन द रोड आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो यहाँ पर कहती है विंड कि वो जो आदमी वहां से गुजर रहा है रोड से, मैं कर सकती हूँ, मैं उसका जो कोट है वो आपसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सन स्माइलिंग, अब जब सन है, जब वो विंड की ये बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराता है, कहता है we'll see who is stronger, कि चलो देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम पहले उतरवा सकती हो या फिर मैं पहले उतरवा सकता हूँ। I will let you try first, तो चलो पहले तुम्हारी बारी, मैं तुम्हें ही कोशिश करने देता हूँ, पहले तुम कोशिश कर लो। विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, तो जो विंड थी ना, तो विंड ने क्या किया, अपने जो चीक्स थे ना उसको फुला लिया, है ना, पफिंग का मतलब फुला लेना, और क्या किया ऐसे करके चलना शुरू हो गई। मैन हाउ लॉन्ग द विंड इज टुडे, तो यहाँ पर जो आदमी था ना वो जो कि नॉर्मली वहां से गुजर रहा था, वो कहता है कि अरे कितनी तेज हवा चल रही है आज, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा जो कोट है ना उसको भी अपने साथ उड़ा ले जा रही है। आई मस्ट होल्ड टाइटली राउंड माई सेल्फ, और मेरा जो कोट है वो उड़ ना जाए इसके लिए जरूरी है कि मैं उसको टाइट करके अच्छे से बांध लूँ। विंड ब्लोइंग हार्डर, अब विंड जो थी ना वो और तेज चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये साउंड दिया हुआ है हवा का कि किस तरह की साउंड होती है जब हवा चलती है। मैन पफिंग हिज कोट मोर टाइटली, अब जब उस आदमी ने देखा कि जो हवा है वो और ज्यादा तेज चलने लगी है, तो उसने क्या किया, उसने अपने कोट को और टाइटली करके ऐसे बांध लिया, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो। विंड सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, तो जो विंड थी ना हवा, उसने पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश लगा ली, पूरा दम लगा लिया अपना, तूफान की तरह चलना वो शुरू हो गई, लेकिन वो उस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई। ओके, तो उसने अपनी हार मान ली। सन नाउ इट इज माई टर्न, तो अब यहाँ पर सूरज कहते हैं कि अब मेरी बारी है, लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड, कहता है मुझे कोशिश करने दो, और उसने बहुत तेज चमकना शुरू कर दिया। बहुत धूप हो गई, बहुत ज़्यादा धूप हो गई, गर्मी बरसानी शुरू कर दी। मैन व्हाट अ फनी डे, कहता है आदमी कि कैसा फनी डे है आज का, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट, कि पहले तो इतनी ज़्यादा तेज हवा चलने लगी, इतना ठंडा हो गया, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। सन शाइनिंग हार्डर, अब जो सन था ना वो उसने और तेज चमकना शुरू कर दिया, जैसा कि नॉर्मली गर्मी में होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत गर्म दिन होता है, बहुत गर्मी लगती है उस दिन। अब मेक हिम फील हॉरर एंड हॉरर, कहता है कि मैं इतना ज़्यादा तेज, इतनी ज़्यादा गर्मी में करूँगा कि ये जो आदमी है इसको बहुत गर्मी महसूस होगी, बहुत गर्मी महसूस होगी, है ना, और फाइनली ये क्या करेगा, अपना कोट उतार फेंकेगा। मैन व्हिपिंग हिज फेस, अब जो आदमी था ना वो गर्मी की वजह से पसीने पसीने हो गया, तो उसने अपना चेहरा ऐसे पोंछने लगा, व्हिपिंग का मतलब होता है पोंछना। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, कहता है कि अरे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, मुझे तो अपना कोट जो है वो उतारना पड़ेगा। सन विंड आई हैव वॉन, तो यहाँ पर वो जो आदमी है वो क्या करता है, वो गर्मी से परेशान होकर अपना जो कोट है वो उतार देता है। और अब सूरज क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं कि विंड देखो देखो मैं जीत गया, मैंने उस आदमी का जो कोट था वो उतरवा दिया, अब बताओ तुम ज़्यादा ताकतवर या मैं ज़्यादा ताकतवर। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने तो उसका कोट उतरवा दिया। तो इस तरीके से वो हवा जिसको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसका घमंड चूर चूर कर दिया सूरज जी ने। ओके, सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग स्टोरी सन एंड विंड की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।